सब्सक्राइब करें इजी नौकरी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लाए यूनियन बजट 2018-19 की पूरी जानकारी हिंदी में। खास बात यह है, इन क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में मिलेंगे, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, या यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट्स एग्जामिनेशन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी जो जो भी ये बजट के करंट अफेयर है उसका निचोड़ है। ये वन लाइनर है और वन लाइनर ही स्पेशली पूछे जाते हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट आपको रहना है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष कर पिछले साल जो था उसकी तुलना में इस बार हुई है 12.6% की वृद्धि। पिछले साल जो भी था, बस इस बार ये क्वेश्चन बनेगा कि 12.6% की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर में हुई है कुल 18.7% की वृद्धि। इस बार स्टैंडर्ड डिटेक्शन की फिर से शुरुआत कर दी गई है। 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिटेक्शन इस बार मिलेगा अगले साल से। यानी कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यानी कि जो पिछले साल जो इनकम टैक्स स्लैब था वही रहेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और जो नॉर्मल है उनके लिए 2,80,000। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर 50,000 रुपए तक का छूट। यानी वरिष्ठ नागरिक क्या कहते हैं, अपना बैंक वगैरह में पैसा डालते हैं, उसके बाद उन्हें 50,000 रुपए तक की जो भी आय होगी उस वो इंटरेस्ट फ्री रहेगी अगले साल से। 2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। उड़ान योजना के तहत 56 हवाई अड्डों, 21 हेलीपैडों की कनेक्टिविटी। उड़ान योजना जो कि मध्यम वर्ग के सभी लोगों को हवाई यात्रा से रिलेटेड ये योजना है सरकार की। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह है ये क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आते हैं। कपड़ा क्षेत्र में 7,148 रुपए का इस बार प्रावधान किया गया है। भारत परियोजना के तहत 1,00,000 ग्राम पंचायत अब तक जुड़ चुके हैं। ठीक है, 5G प्रौद्योगिकी की चुन्नी में स्वदेशी टेस्ट बेड खुलेगा। नव निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की क्षमता 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। डिजिटल इंडिया को 2 गुना करके 3,073 करोड़ रुपए दिया गया है इस बार। पूछा जा सकता है डिजिटल इंडिया को कितना पैसा दिया गया। सभी टोल प्लाजा में ई भुगतान प्रणाली यानी कि पेटीएम वगैरह या ईबे वगैरह इनसे भुगतान प्रणाली शुरू होगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुलेंगे। राष्ट्रीय कृषि सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शुरुआत होगा। ये कौशल प्रशिक्षण वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने खुलेंगे। ठीक है, शहरीकरण के लिए स्मार्ट और सिटी अमृता योजना पहले से ही है, पूछा जा सकता है इन योजनाओं के बारे में किससे रिलेटेड है। 3 वर्षों में आर्थिक विकास की दर 7.5% पहुंची है। ठीक है, तीनों के एवरेज बताया गया है। सड़क निर्माण के लिए भारतमाला परियोजना अनुमोदित की गई है। ASI के लिए 100 आदर्श स्मारकों के लिए टूरिज्म की जो सुविधाएं पर्यटन सुविधा बनेगी। रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति सुधार पर जोर, पूछा जा सकता है रेलवे का जो पेपर होगा उसमें बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सुरक्षा सर्वप्रथम नीति, रेल की पटरियों को 3600 किलोमीटर पुनः विकसित करने का काम शुरू, ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को 10 करोड़ परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की राशि अस्पताल इलाज पर उपलब्ध कराएगी। यानी कि 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए बीमा, जो इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम होता है वो। 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षा योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनेगी, ये जो पूरा 10 करोड़ परिवार वाला 5 लाख रुपए में। ठीक है, रोजगार सृजन नीति का निर्माण पर केंद्र बिंदु रहेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए जाएंगे इस बार। युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया की कार्यक्रम की शुरुआत, ये पिछले वर्ष भी की गई थी, कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस साल प्रधानमंत्री अनुसंधान अहिता कार्यक्रम शुरू होगा। आदिवासी बहुल ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खुलेंगे। 2022 तक शिक्षा का आधारभूत सुधार के लिए राइज नामक पहल का प्रस्ताव हुआ। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत डू कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत 5.22 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। बैंक वगैरह के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 1.26 करोड़ खाते खुले हैं। नमामि गंगे के लिए 47 परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। उज्ज्वला योजना के लिए 8 करोड़ अब तक जो गैस के कनेक्शन है वो मुफ्त बांटे गए हैं। ठीक है, 2018-19 में
जो ग्रामीण आजीविका है 5,750 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,975 रुपए का प्रावधान किया गया है। सौभाग्य योजना के लिए 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया है। शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू होगा, यानी कि जिसमें कि बीएससी या करके बीएड या बीए करके बीएड इस तरह का कार्यक्रम। वडोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाई कदम है। दीक्षिता डिजिटल पोर्टल शिक्षकों का कौशल उन्नयन हुआ है। ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए 500 करोड़ देने का प्रस्ताव हुआ है। इसके अलावा मछली पालन पशु पालन के लिए 2 नए फंड लाए गए हैं। मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में आधारभूत सुविधा कोष स्थापित होगा। कृषिकरण के लिए 11 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की तरफ से गया, अगले साल चुनाव है शायद इस वजह से किया गया है। सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड दीर्घावर्ती सिंचाई कोष स्थापित किया गया है। 2016-17 में 275 मिलियन टन खाद रिकॉर्ड उत्पादन करने का प्रावधान है। 2022 तक किसानों का जो आय है उसे दोगुना करने का प्रावधान है। ठीक है, किसानों को एमएसपी पूरा लाभ दिलाने का सरकार प्रयासरत है। 22,000 ग्रामीण हाट कृषि बाजार के रूप में विकसित होंगे। 2,000 करोड़ रुपए की राशि निधि से कृषि बाजार और संरचना कोष का विकास होगा। कृषि उत्पादन को क्लस्टर मॉडल विकसित करना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था है। 3 वर्षों में पहले बता चुका हूँ 7.5% हुई है। विश्व बैंक की कारोबार सुगमता में भारत का अब तक 42 स्थानों का सदर हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी बैठक हुई थी, उसमें 42 स्थानों। तो फ्रेंड्स, ये टॉप बजट के क्वेश्चन थे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपसे अनुरोध है, ताकि हम अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।